भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कायस्थ समाज को जानने समझने की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं बंगाली कायस्थों के विषय में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि बंगाली कायस्थों की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, जब बंगाल में सेन राजवंश के राजा आदिसूर या कुछ इतिहासकारों के अनुसार बल्लाल सेन का राज था, तब उन्होंने कन्नौज, जो कि उस समय भारत की सांस्कृतिक राजधानी समझा जाता था, वहां से 5 ब्राह्मणों को बंगाल में बुलाया ताकि वह बंगाल के ब्राह्मणों को सनातन वैदिक संस्कृति की शिक्षा दीक्षा अच्छे से दे सके। तो दोस्तों, इन ब्राह्मणों ने अपना कार्य बहुत ही अच्छे से किया, जिससे खुश होकर राजा ने इन्हें कुलीन ब्राह्मणों की उपाधि दी। अब दोस्तों, इनमें ब्राह्मणों के 5 गोत्र आते हैं, जिसे हम मुखर्जी, चटर्जी, बैनर्जी, गांगुली तथा भट्टाचार्य के नाम से आज जानते हैं। अब दोस्तों, राजा ने शासन तथा राजकाज की अन्य जिम्मेदारियों के लिए भी इन ब्राह्मणों से उपयुक्त लोगों की नियुक्ति के लिए कहा। तब इन्होंने कन्नौज से ही 5 कायस्थों को बुलाया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही अच्छे से किया और प्रसन्न होकर राजा ने इन्हें भी कुलीन कायस्थों की उपाधि से सम्मानित किया। अब इनमें कायस्थों के 5 वंश आते थे, जिनमें बोस, घोष, गुहा, मित्रा तथा दत्ता। अब दोस्तों, जो दत्ता थे, उन्होंने यह कुलीन कायस्थ की उपाधि लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपने को ब्राह्मणों से बराबर या फिर उनसे ऊपर ही समझते थे और उनका कहना था कि हम इस परिचारक को दी जाने वाली उपाधि को ग्रहण नहीं करेंगे। अब दोस्तों, इनमें से जो गुहा थे, वह पूर्व में आगे की ओर असम के इलाकों में चले गए। अब दोस्तों, इन जो कायस्थों के 5 गोत्रों के अलावा जो अन्य कायस्थ बंगाल में थे, उन्हें मौलिक कायस्थ कहा जाता था। तो बंगाल के 2 कायस्थ होते हैं, एक कुलीन कायस्थ और दूसरे हुए हमारे मौलिक कायस्थ। अब दोस्तों, मुगल काल में भी कायस्थों का रुतबा कायम रहा और उस समय बंगाल के अधिकांश जमींदार तो कायस्थ समाज से ही आया करते थे। सेम इसी तरह से ब्रिटिश काल में भी कायस्थों का रुतबा कायम रहा। अब दोस्तों, जैसे जैसे समाज के पास पैसा एवं शक्ति बढ़ती गई, इसके साथ ही साथ समाज में कुछ विकृतियां भी आने लग गई और जिसके परिणाम स्वरूप इनके वर्ण पर भी सवाल उठाए जाने लगे थे। और दोस्तों, सन 1884 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में इनके द्विज के स्टेटस पे ही सवालिया निशान खड़े कर दिए थे और इन्हें शूद्र घोषित कर दिया था। अब जिन लोगों को यह नहीं पता कि द्विज क्या होता है, उनके लिए मैं यह बता दूं कि द्विज ने समाज का वह वर्ग जिसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार प्राप्त था। अब इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य आते थे। अब दोस्तों, द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म हुआ। एक बार जन्म तब जब माँ की कोख से जन्म हुआ और दूसरी बार जन्म तब जबकि उसका उपनयन संस्कार हुआ हो, उसे दूसरा जन्म कहते थे। दोस्तों, जब कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला आया तो कायस्थ समाज, जो कि बड़ा पढ़ा लिखा और शक्तिशाली समाज था, उसने इसका प्रतिकार भी पूरी ताकत के साथ किया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1926 ने पटना हाईकोर्ट ने इस जो कलकत्ता हाईकोर्ट का 1984 का फैसला था, इसको रिवर्स करते हुए कायस्थों के क्षत्रिय के स्टेटस को कायम रखा। अब दोस्तों, अंग्रेज चाहते थे कि हमारे समाज में विभाजन कायम रहे, तो उस समय हाईकोर्ट में इस तरह की चीजें भी हुआ करती थी। अब दोस्तों, क्योंकि कायस्थ समाज इतना प्रोग्रेसिव और इतना पढ़ा लिखा था कि इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाके भारत का नाम रोशन किया है। आइए कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण शख्सियतों के नाम को जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, विश्व को भारतीय योग एवं वेदांत का ज्ञान बांटने वाले। जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है तथा रेडियो तरंगे एवं माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की खोज में भी यह पायोनियर थे। सुभाष चंद्र बोस, भारत की स्वतंत्रता में जिनका बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। श्री अरविंदो परमहंस योगानंद जी भी इन्हीं समुदाय से आते थे। दोस्तों, अभी बहुत कुछ और भी बचा है कायस्थ समाज के बारे में बताने के लिए, तो बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी के साथ, हमें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।